हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे इस बड़े खूबसूरत से फूल जो आपको दिख रहा है, कितना सुंदर फूल है ये, इसको कहते हैं पैशन फ्लावर। इस पैशन फ्लावर की बात करूंगी। ये गर्मियों की एक बहुत ही सुंदर सी बेल है और बहुत अच्छी से तेजी से बढ़ती है, बहुत खूबसूरत लगता है। और इस फूल में बड़ी स्वीट सी खुशबू होती है। ये पिंक, डार्क पिंक, पर्पल, लाइट पर्पल, डार्क पर्पल, कई शेड्स में आती है ये और बहुत खूबसूरत लगते हैं। देखिए ये फूल बिल्कुल अलग तरह का फ्लावर लगता है ये। हालांकि ये जो फूल होते हैं बस एक दिन के लिए, जैसे हमारा हिबिस्कस का गुड़हल का फूल होता है वो एक ही दिन खिलता है, ये भी एक दिन के लिए ही खिलता है। लेकिन इतना खूबसूरत है ये देखने में कि एक दिन के लिए खिलता है फिर भी बहुत प्यारा लगता है उगाने के लिए। जैसे हम गुड़हल भी इसीलिए लगाते हैं कि बहुत खूबसूरत, इसमें खुशबू बड़ी स्वीट सी बहुत अच्छी सी आती है और बड़ा स्पेशल सा फूल है ये। देखिए ये इसके एंथर लोब्स हैं, कितने 5 हैं, ये इसके ऊपर स्टिग्मा है, बड़ा अलग सा कितना खूबसूरत सा फूल लग रहा है ये। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। ये वाइन होती है बेल, कुछ कुछ वेराइटीज ऐसी होती हैं ये पैसी फ्लोरा जीनस में आते हैं, अलग अलग स्पीशीज होती हैं इसमें। और कुछ इसमें से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बुश फॉर्म में भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो है वो वाइन ही आती है। और इस वाइन को किसी भी आपको सहारे के साथ ऊपर चढ़ाना होता है। देखिए इसमें एक बड़ी खासियत है, ये जो आपको लंबे लंबे धागे जैसे दिख रहे हैं ये देखिए, ये टेंड्रिल है। मेरे हिसाब से मुझे ये स्टेम का मॉडिफिकेशन लग रहा है। ये पत्ती के बेस में से जो ब्रांच निकल रही होती है ना, उस ब्रांच की जगह ये टेंड्रिल निकले हुए हैं, ये देखिए जगह जगह पे। तो ये जो टेंड्रिल होते हैं ये क्या करते हैं, कोई भी सपोर्ट जब आप देखते हैं, देखिए ये वाला टेंड्रिल देखिए, ये अपने स्प्रिंग जैसे कॉयल इसमें बनने लग गई हैं। तो कोई भी जैसे सपोर्ट मिलता है ना इसको, ये देखिए ऐसे ये कॉयल जैसा बन जाता है, स्प्रिंग जैसा बन जाता है। और जैसे कोई भी सपोर्ट होता है उसके चारों तरफ ये स्प्रिंग जैसे यू चारों तरफ उसको पकड़ लेता है, तो इसके सहारे सारे ये ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। इनको कहते हैं टेंड्रिल्स। ये देखिए और भी हैं ये टेंड्रिल्स, ये देखिए ये टेंड्रिल बड़े होते हैं। आप देखिए ये मुड़ना शुरू हुआ है यहाँ पे, ये सपोर्ट के चार सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट मिलेगा उसको पकड़ के उसके चारों तरफ ऐसे स्प्रिंग जैसे पकड़ लेते हैं और पौधा जो है वो धीरे धीरे अपने आप ऊपर बढ़ता चला जाता है। हमें पौधे को जो है, ये देखिए एक स्प्रिंग बना, इसको कोई सपोर्ट नहीं मिला तो ये स्प्रिंग फिर सूख गया। मैं आपको ये स्प्रिंग दिखाती हूँ, ये आपको टूट नहीं रहा है, ऐसे दिख जाए तो ये दिख रहा है, ये स्प्रिंग जैसा देखिए बना, लेकिन इसको कोई सपोर्ट नहीं मिला स्प्रिंग को तो ये फिर सूख गया, मतलब कोई जगह नहीं मिली पकड़ने के लिए। तो ये देखिए स्प्रिंग बनते जा रहे हैं टेंड्रिल्स। तो ये इस तरह से चढ़ता जाता है, बस इसको कोई सपोर्ट की जरूरत होती है, अपने आप चढ़ती जाती है सपोर्ट को पकड़ के, इसको बांधना नहीं पड़ता है हमें। तो बहुत प्यारा गर्मियों का पौधा है, गर्मियों में ये फूल देना शुरू करता है अभी, और ये सारी गर्मी फूल देता रहेगा और अगस्त सितंबर तक भी फूल देता रहता है जहाँ पे गर्म इलाके हैं वहां पर। और इसको बस ऐसी जगह आपको लगाना है जहां पर या तो फुल सन रहे, सारा दिन धूप रहे, और या फिर पार्शियल सन रहे, मतलब 3-4 घंटे की धूप मिलती रहे इसको। लेकिन इसको बस एक चीज है, जो दोपहर की बहुत तेज वाली धूप होती है ना, बहुत जो जला देती है पौधों को, 1-2-3 बजे वाली, उससे इसको बचा के रखें, ऐसी जगह रखें। अगर कंटेनर में हम लगा रहे हैं तो ऐसी जगह रखें दोपहर की धूप नहीं पड़े। जमीन में भी आप ऐसी जगह लगाएं जब बिल्कुल दोपहर की जो धूप होती है वो इस पे ना पड़े तो अच्छा है। और ऐसी जगह भी लगा सकते हैं जहाँ 3-4 घंटे की धूप पड़ रही है और वैसे ब्राइट लाइट आ रही है तो भी ये अच्छी तरह से लग जाता है, ये सन लविंग प्लांट है वैसे। और मिट्टी जो है, अगर आप इसको जमीन में लगा रहे हैं तो ये चल जाएगा कैसी भी मिट्टी में, और जब हम इसको गमले में लगाते हैं तो फिर मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। एक हिस्सा मिट्टी लें, एक हिस्सा सैंड लें और एक हिस्सा उसमें आप खाद का मिला दें। अब जैसे गर्मियों का मौसम है तो आप सैंड की जगह अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो वो भी ले सकते हैं, कोकोपीट भी ले सकते हैं। तो और इसकी मिट्टी को जो है वो थोड़ी सी एसिडिक मिट्टी इसको पसंद होती है, तो जो हम खाद वगैरह इसमें मिलाते हैं तो वो एसिडिक होता है, तो
उससे इसका काम चल जाता है। और ये पौधा आपके पास है तो फरवरी में इसको बहुत अच्छी तरह खाद देनी होती है, क्योंकि इसने गर्मी में फूल देने होते हैं, इसलिए इसको फरवरी में एक बार अच्छी तरह से खाद देनी होती है। वो मैंने तरीका उस पे वीडियो डाली हुई है कि कैसे फर्टिलाइज करते हैं फरवरी में प्लांट्स को। मैं अपने सारे प्लांट्स को फरवरी में एक बार फर्टिलाइजर जरूर देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में प्लांट्स का ग्रोइंग सीजन होता है, इसलिए उनको खाद चाहिए होती है फरवरी में। तो इसको भी आप अच्छी तरह से खाद दे दें। और उसके बाद 12 इंच के एक गमले में आप 2 मुट्ठी के करीब वो डाल दें, बोन मील डाल दें, क्योंकि ये फूल का पौधा है तो इसको बोन मील अच्छी लगती है। वैसे इसको जो है बैलेंस्ड फर्टिलाइजर पसंद है, जैसे हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या गाय की गोबर की खाद डालते हैं, तो वो इसको वो उससे इसका काम चल जाता है। इसको बैलेंस्ड फर्टिलाइजर पसंद है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फॉस्फोरस देना इसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जैसे ये फूलों वाला पौधा है तो इसमें 1 1.5 मुट्ठी 2 मुट्ठी वर्मी बोन मील डाल देंगे तो अच्छा रहता है। उससे पौधों को कैल्शियम भी मिल जाती है। और अगर आपके पास नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या वो वाली खाद डाल दीजिए, गोबर की खाद डाल दीजिए। हाँ, थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि 10 लीटर की एक बाल्टी में 1 मुट्ठी सरसों खली को भिगो दें आप, और ओवरनाइट या 2 3 दिन उसको भिगा रहने दें, बीच बीच में हिलाते रहें, और फिर उसके पानी को आप इसमें डाल दें, थोड़ा सा आधा डब्बा के करीब, जो नहाने वाला डब्बा होता है ना, आधा डब्बा वो डाल दें 15 20 दिन में एक बार, तो अच्छा रहता है। फिर मैंने जैसे इसको कहा कि फरवरी में आप इसको अच्छी तरह खाद देंगे, एक बार फरवरी में खाद दे दी, उसके बाद फिर आप मई में एक बार इसको 1 2 मुट्ठी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दोनों में से जो आपके पास है वो दे दें। मतलब इसको अपने पूरे सीजन में 2 बार खाद दे दें, 2 से भी 3 मुट्ठी भले ही दे दें, अच्छी क्वांटिटी में 2 बार खाद दे दें, तो ये फूल वगैरह आपको अच्छे देता है। तो मई में दे दें एक बार, और एक बार दें अगर आप जब भी खाद दें शाम को दें, और खाद देने के जस्ट बाद पानी देना बहुत जरूरी होता है। कई लोग कहते हैं हमने गर्मी में खाद दी और पौधा मर गया, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ये तब होता है जब आप लोग नए गार्डनर्स हैं और आप खाद देने के बाद उसको एकदम से पानी नहीं देते हैं, या दोपहर में खाद दे देते हैं, या लेट मॉर्निंग में दे देते हैं 11 बजे के करीब, और या अर्ली इवनिंग दे देते हैं 3 बजे दे दी 4 बजे, ऐसा नहीं करना है, उससे आपका पौधा जल जाएगा। क्योंकि खाद देखिए अल्टीमेटली तो गर्म होती है, और उसके बाद एकदम से पानी देना भी बहुत 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 जरूरी है। चलिए, फिर उसके बाद हर 15 दिन में, जैसे बाकी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं या जो भी हैं घर में आपके जितने भी पौधे होते हैं, 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं। अब वो लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनानी है, उस पर मेरा एक पूरा प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने फर्टिलाइजर्स पे, उसमें 2 3 वीडियोस मैंने डाली हुई है लिक्विड फर्टिलाइजर की। ऑर्गेनिक भी बना सकते हैं आप, केमिकल भी बना सकते हैं। तो केमिकल बनाने के लिए आप 1 लीटर पानी में एनपीके 90 90 19 का 1 चम्मच घोल लीजिए, चाय का चम्मच, और वो इसको दे दीजिए, या और स्प्रे भी कर दीजिए। अगर आप थोड़े ज्यादा ठंड वाले इलाके में रहते हैं तो ठंड में क्या होता है, सर्दियों में इसके पत्ते वत्ते गिर जाते हैं, बड़ी डोरमेंट सी स्टेज में चली जाती है, इसको ठंड पसंद नहीं है। तो अगर कंटेनर में लगी हुई है आपकी, तो आप इसको थोड़ा सा किसी ढकी हुई जगह में रख दें, ताकि बहुत ज्यादा ये ठंड नहीं खाए, और फिर जैसे ही फरवरी का मौसम आता है इसको बाहर ले आए। और अगर जमीन में लगी हुई है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर एक काम कर सकते हैं कि इसकी जड़ों के चारों तरफ अच्छी तरह मल्चिंग कर दे, ताकि इसकी जड़ें जो है वो ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर से बची रहे, क्योंकि ये देखिए गर्मियों का पौधा है तो इसको वार्म टेम्परेचर पसंद आता है। तो इसकी जड़ों के चारों तरफ आप अच्छी तरह से मल्चिंग कर दे, और वो मल्चिंग गर्मी में भी काम आएगी। गर्मियों में वो मल्चिंग क्या करेगी, इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखने के काम आएगी। इसकी मिट्टी को आप मॉइस्ट रखें, सूखने मत दें, हल्की मॉइस्ट रखें, ज्यादा सॉगी नहीं करें, नहीं तो जड़ें गल जाएंगी। हल्की सी गीली मिट्टी रखनी चाहिए इसकी, ताकि इसके पत्ते नहीं सूखें और फूल नहीं सूखें, इस चीज का आपको ध्यान रखें। वैसे इस प्लांट को जो है ना ज्यादा प्रूनिंग की भी जरूरत नहीं होती है, और डेड हेडिंग की भी जरूरत नहीं होती है, जैसे हम बाकी पौधों के लिए बात करते हैं कि आप स्पेंट फूलों को तोड़ते जाएं और बीज नहीं बनने दें, नहीं तो आपका पौधा ग्रो नहीं करेगा और ज्यादा फूल भी नहीं देगा। ज्यादा फूल लेने के लिए डेड हेडिंग करें, मतलब पुराने फूलों को उतारते जाएं, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी हमें अपने पौधे को सुंदर दिखाने के लिए
टाइडी लगे हमारा पौधा, नीट एंड क्लीन लगे, उसके लिए हमें इसके पौधों, इसके फूलों को तोड़ते रहना चाहिए। कोई भी पौधा हो, उसके जब फूल सूखने लगते हैं तो हटा देना चाहिए, वो पौधे के ऊपर सुंदर नहीं लगते हैं और वो एंड तक पौधे की थोड़ी सी एनर्जी भी लेते हैं। जरूरी नहीं है इसमें, लेकिन अगर आपको पौधा साफ सुथरा रखना है तो आप उस फूल को हटाते रहें। और थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग, प्रूनिंग भी इसको जरूरी नहीं है। जैसे हम कई प्लांट्स में बोलते हैं ना, जैसे इसमें बोलते हैं बोगेनविलिया में बोलते हैं, हिबिस्किस में बोलते हैं, कि आप साथ में छोटी छोटी प्रूनिंग करते रहें, क्योंकि नई जो ब्रांचेस निकलेंगी उनके ऊपर फूल लगेंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है प्रूनिंग करना। फिर मैं वही बात कहूंगी कि प्रूनिंग आप करें तो फरवरी के शुरुआत में करें, फूल आने से पहले। अगर आपका पौधा बहुत फैल रहा है, उसकी शेप अच्छी नहीं है, तो उसको ढंग से शेप वगैरह देने के लिए प्रून कर सकते हैं। प्रून करना इसके लिए बहुत मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आप प्रून नहीं करेंगे तो अच्छे फूल नहीं आएंगे, कम आएंगे। पौधे को हमें सुंदर शेप देने के लिए इसको प्रून करना चाहिए। हर 20 दिन में आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, ताकि इसमें कोई भी एफिड, स्पाइडर माइट्स, व्हाइट फ्लाइज, ये गर्मी में बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। जब थोड़ा सा ड्राई हो जाता है ना चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, तब ये इंसेक्ट्स बहुत अटैक करते हैं। वो स्प्रे आप करते रहें, और वो फंगस के लिए भी अच्छा होता है नीम ऑयल, फंगस भी नहीं लगती है नीम। लेकिन फिर वही बात है, नीम ऑयल का स्प्रे आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल जो एग्रीकल्चरल वाला है वो डाल लें। और प्रॉपरली आपको नीम ऑयल कैसे बनाना है उसका स्प्रे, उस पर मेरी अलग से वीडियो है, आप उसको देख के, उसको आप देखेंगे ना तो आपको नीम ऑयल के बेनिफिट्स भी पता चलेंगे क्या क्या है। वो 20 दिन में एक बार इसको स्प्रे करते रहें। और फिर इसकी जो जड़ों के पास की जगह है गमले में, उसमें जो सूखी हुई पत्तियां वगैरह गिरती हैं उसको क्लीन करते रहें, क्योंकि वो जो पत्तियां नीचे गिरती हैं फिर हम उसमें पानी देते हैं तो वो मॉइस्चर उन पत्तियों पे लगता है, तो उसमें फंगस होने का डर रहता है। तो आप अच्छा, मल्चिंग करने से ये भी फायदा होता है, फंगस को भी रोकती है मल्चिंग जो है। मल्चिंग आप नारियल के छिलके से भी कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट की मल्चिंग भी अच्छी रहती है। वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर 1-1 इंच की गमले में चारों तरफ बिछा दें, और उससे क्या होगा, इसको फूड भी मिलता रहता है। ये थोड़ा हैवी फीडर है, ज्यादा खाना चाहिए इसको, क्योंकि बहुत विगरसली ग्रो करता है और खूब सारे फूल आते हैं। अभी भी देखिए इसमें कितने फूल आ रहे हैं, बर्ड्स आ रही हैं ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, देखिए कैसे स्प्रिंग बना हुआ है टेंड्रिल का, ये देखिए, अगर ये कोई सपोर्ट मिल जाता तो उसके चारों तरफ ये स्प्रिंग बना लेता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स, मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, फन गार्डनिंग इंग्लिश, उसको भी आप देखिएगा और उसको भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।